विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। अब कुमार 85 पर थे तो तारकासुर 96 पर था। यदि अगली चाल में तारकासुर को 4 और अंक प्राप्त होते तो वो विजयी हो जाता। मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा जिस गति से बढ़ रही थी उतनी ही तीव्रता से दुष्ट तारकासुर भी अपने भिन्न भिन्न कुटिल प्रयासों से कुमार कार्तिकेय को उस क्रीड़ा की माया में उलझाने का प्रयास करता रहा, किंतु स्कंद माता के आशीर्वाद एवं अपनी सूझबूझ से कुमार कार्तिकेय सभी बाधाओं को पार कर पुनः क्रीड़ा पटल पर आकर स्थित हो गए। तो क्या अब हम अपनी क्रीड़ा आगे बढ़ाएं तारकासुर? किस मिट्टी से उत्पन्न हुआ है ये? ऐसा क्या है इसमें जो ये प्रत्येक संकट से बाहर आने में सक्षम हो रहा है? मैं अपने माता पिता आदि पुरुष महादेव एवं आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती के चरणों की धूल से उत्पन्न हुआ हूँ तारकासुर। जगत जननी माता पार्वती के चरणों की धूल से उत्पन्न हुआ हूँ तारकासुर। इसीलिए तुम्हारी ये तुच्छ युक्ति और चालें मेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। मैं कैसे भूल रहा था कि कुमार कार्तिकेय महादेव और माता पार्वती के पुत्र, तो फिर उनकी क्षमता को लेकर इतना संशय क्यों? और ये मेरे भीतर इतनी असुरक्षा का भाव क्यों है? धिक्कार है मुझ पर। यदि इस प्रकार मैं यहाँ से लौट भी गया तो किसी के सम्मान के योग्य नहीं रहूंगा, और किसी भी सम्मान रहित पद का क्या लाभ? क्या हुआ तारकासुर? क्या तुम ये क्रीड़ा आगे नहीं बढ़ाना चाहते? हाँ, अवश्य बढ़ाना चाहता हूँ। क्या दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कि मेरी विजय में मात्र 20 अंकों की दूरी शेष है? तारकासुर, तुम्हें शीघ्र विजयी होना होगा, और स्मरण रहे उसके लिए तुम्हें ऊंचे से ऊंचा अंक लाना होगा, और वही लाना। विश्वास नहीं होता, तुम मेरा समर्थन कर रहे हो इंद्रदेव? अवश्य असुर सम्राट। देवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तारकासुर का साथ क्यों दे रहे हैं? वायुदेव, ये मेरी अपनी स्वतंत्र सोच है, जिसके विजय की संभावना मुझे स्पष्ट दिखाई देगी मैं उसी का साथ दूंगा, और यहां मुझे महाराज तारकासुर की विजय निश्चित प्रतीत हो रही है। देवराज इंद्र, ये क्या हो गया है आपको? आप ऐसा कपट आचरण कैसे कर सकते हैं? देवराज इंद्र इतने सरलता से पलट जाए, अपने परम शत्रु का साथ देने लगे, ये कैसे संभव है? विपरीत परिस्थितियां कभी कभी व्यक्ति का मनोबल गिरा देती हैं, किंतु देवराज इंद्र इस प्रकार स्वयं को पराजित मान लेंगे, ये तो देवताओं के लिए अविश्वसनीय था। बड़े से बड़ा अंक, बड़ा बड़ा और बड़ा, तभी तो विजयी होऊंगा मैं, और तभी तो रक्षा होगी मेरी। ये तो इतना आश्वस्त खड़ा है, कहीं ये क्रीड़ा पलटने तो नहीं वाली? कहीं ये उस खड़ग तक पहुंचने में सफल तो नहीं होने जा रहा है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। उचित है इस इंद्र का कथन, बड़ा अंक लाना है मुझे, बड़ा अंक। क्या अंक प्राप्त हुआ तासुर? महाराज तारकासुर, ये आपने क्या कर दिया? आपको बड़ा अंक लाना चाहिए था ना? मात्र 2 से क्या होता है?
इस प्रकार तो कुमार कार्तिकेय आप तक पहुंचकर आपका वध कर देंगे, अर्थात आपको बड़ा अंक लाना चाहिए ना, और खड़क को प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा आपका अंत तो सुनिश्चित है। ये देवराज इंद्र इतने कृतज्ञ कैसे होते जा रहे हैं? जैसे जैसे तारकासुर के मन में भय बढ़ेगा, उसकी शक्तियां क्षीण पड़ती जाएंगी। तारकासुर, 8, 9 अथवा 12 जैसा अंक चाहिए आपको। 8, 9 अथवा 12? हाँ। ध्यान से महाराज, अन्यथा पराजित भी हो सकते हैं। अटासुर, बताओ क्या आया? पुनः दो। महाराज तारकासुर, क्या हुआ आपको? मैंने कहा था ना आपको 8, 9 अथवा 12, ये 2 तो कदा भी नहीं कहा था मैंने। तो अब समझा, ये देवराज की एक युक्ति है तारकासुर को भ्रमित करने की। वायुदेव, ये देवराज इंद्र की एक युक्ति मात्र है तारकासुर का ध्यान भटकाने की। महाराज तारकासुर, क्या आपको ज्ञात नहीं, कुमार कार्तिकेय को माता महामाया से दिव्य सहायता प्राप्त है, तभी तो वो आपके बिछाए जालों को इतनी सरलता से पार करता है, जिन्हें आप भी नहीं भेद पाते, और ये ज्ञात होते हुए भी आप इतने निश्चिंत होकर ये क्रीड़ा कैसे कर सकते हैं? क्या आप एक बड़ा अंक भी नहीं ला सकते? बस शांत देवराज इंद्र, मृत्यु होगी तो मेरी होगी, इसमें तुम्हारी क्या हानि है? तारकासुर जी, यदि आप अपना अंत करवाना चाहते हैं तो करवाइए, मैं तो वैसे भी इस वृक्ष के रूप में सदैव यहीं पर उलझा रहूंगा, और वैसे भी अब हम एक समान हैं, हमारे परस्पर संघर्ष से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, बड़ा अंक लाइए, बड़ा अंक। कदाचित इंद्रदेव की यह युक्ति सराहनीय है, वो जितनी बार तारकासुर को उकसाएंगे, आवेश में आकर तारकासुर क्रीड़ा में उतनी ही भूल करेगा। कुमार कार्तिकेय और तारकासुर भले दोनों ही एक ही क्रीड़ा के सहभागी थे, किंतु उद्देश्य दोनों का पूर्णतया भिन्न था। तारकासुर का उद्देश्य जहां मात्र विजयी होना था, वहीं कुमार कार्तिकेय विजयी तो अवश्य होना चाहते थे, किंतु सत्य पथ पर चलकर धर्मानुसार विधि से। महाराज तारकासुर, अब आपको मात्र 4 अंक चाहिए, मात्र 4। और देवराज इंद्र द्वारा उत्पन्न कोलाहल से जो अंक तारकासुर प्राप्त कर रहा था, उससे और कुमार कार्तिकेय के आगे बढ़ने से उसका ध्यान इतना बट रहा था कि उसे 500 के अंक परिवर्तित करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहा था। इंद्रदेव की क्रीड़ा का अभी आरंभ ही हुआ था, अब कुमार 85 पर थे तो तारकासुर 96 पर था। यदि अगली चाल में तारकासुर को 4 और अंक प्राप्त होते तो वो विजयी हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो कुमार कार्तिकेय अपना सब कुछ खो बैठते।
अब थोड़ी ही दूरी शेष है, किंतु जब तक विजयी ना हो जाऊं सावधानी से आगे बढ़ना होगा मुझे। जय हो महाराज तारकासुर की जय हो। कैसे निकृष्ट द्रोही हैं आप देवराज इंद्र, ये कैसा आचरण कर रहे हैं आप, और ये तारकासुर आपका महाराज कैसे हो गया? कितनी सहजता से अपनी निष्ठा कैसे बदल ली आपने? इसीलिए तो मैं देवराज हूं, बुद्धिमान हूं, इसीलिए मुझे ज्ञात डूबती नैया का परित्याग करना ही उचित होता है। देखा कुमार कार्तिकेय, तुमने देखा, अभी तो मेरी विजय भी नहीं हुई और तुम्हारे निष्ठावान देवताओं में फूट डलवा कर अभी से कलह उत्पन्न करवा दी है मैंने। देवताओं की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो तारकासुर, अभी विजयी नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए अभी यही उचित होगा कि तुम क्रीड़ा पर ध्यान केंद्रित करो। देवराज, आपकी निष्ठा इतनी सरलता से बदल जाएगी और आप इतने द्रोही प्रमाणित होंगे, यदि यह ज्ञात होता हमें तो आपको उसी अंधेरे तहखाने में छोड़ाते हम। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप। हाँ हाँ, उचित है महाराज तारकासुर, उचित है। इन देवताओं को तो शांत ही रहना चाहिए। मेरे महाराज तारकासुर विजय के इतने निकट जो हैं, बस घोषणा ही शेष। महाराज, आपको विजय के इतने निकट देख मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी आपको नैतिक समर्थन देने के लिए प्रस्तुत हूँ महाराज। उचित है, वहीं रहो तुम अभी और मैं अपनी चाल चलता हूँ। मुझे 4 अंक चाहिए। एक, दो, तीन। अरे ये आकाश में क्या गिनती गिन रहे हो तुम? इस क्रीड़ा पटल पर 1 से 100 तक के समस्त वर्ग गिन रहा हूं मैं। अरे यदि गिनती ही गिननी है तो अपने मन के भीतर गिनो ना महाराज, तारकासुर की एकाग्रता को भंग क्यों कर रहे हो? धिक्कार है आप पर देवराज, पुनः आपने उसे महाराज कहकर संबोधित किया। हाँ हाँ, महाराज ही तो है वो। मैं वर्षों से महाराज का प्रमुख सहायक हूँ, उन्हें उचित मंत्रणा प्रदान करता रहा हूँ। तो अब तुम कौन होते हो महाराज की एकाग्रता को लेकर मुझे सचेत करने वाले? अरे मूर्ख, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं मोक्ष द्वार की रचना स्वयं महाराज तारकासुर ने की है, और उन्हें गिनती भी ज्ञात है, और उन्हें भली भांति ज्ञात है खड़क तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 नहीं, उन्हें चाहिए 4। उन्हें 4 का अंक चाहिए। ये इसीलिए तो मैंने कहा 2 नहीं, 2 कदापि नहीं। अरे तो स्पष्ट क्यों नहीं कहते, उन्हें 4 चाहिए। अरे 2 नहीं का भी वही अर्थ है मूर्ख पक्षीराज, 2 नहीं चाहिए, 2 कदापि नहीं चाहिए। महाराज आप 2 पर ध्यान दीजिए, 2 नहीं चाहिए। महाराज तारकासुर, यदि आप तब बड़ा अंक ले आते 8, 9 अथवा 12 जैसा तो चिंता की बात ही नहीं। महाराज 4, 4। किंतु अब 2 कदापि मत लाइए। 2 नहीं 4, 8, 9, 12 नहीं, अरे 2 नहीं अर्थात 4। 4 ही उचित, 2 तो लाइएगा ही मत, 2 कदापि नहीं महाराज, 4, 2 नहीं। अरे शांत।
दो पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए महाराज। स्मरण रखिए महाराज, चार, दो नहीं, चार। कदाचित महाराज तारकासुर के मन में मैं पर्याप्त भ्रांति उत्पन्न करने में सफल हो ही गया। दो नहीं, चार, दो, दो, दो तो कदापि नहीं, चार, दो अथवा चार, चार, दो था अथवा चार था, दो चार, दो चार, चार था चार। ले क्या था उचित अंग? दो, कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं, चार, 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 नहीं, दो नहीं, क्या? कार्य संपन्न हुआ। आपकी युक्ति सफल हुई देवराज। ये 98 पर आकर क्यों रुक गया मैं? आगे बढ़ना है मुझे, विजयी होना है मुझे। ये कैसी फुफकार है? महाराज को निकल लिया सर्प ने। कुमार कार्तिकेय, मुझे ज्ञात नहीं मैं यहां से सुरक्षित बाहर निकल पाऊंगा अथवा नहीं, किंतु मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी निष्ठा आपके प्रति सदैव थी, किंतु मैं तारकासुर को भ्रांत करने के लिए किया था आपने, मुझे ज्ञात है इंद्रदेव। देवराज, इससे पूर्व भी हमें ज्ञात होता आप एक रणनीति के अनुसार ऐसा कर रहे हैं, हम आपको बहुत कुछ भला बुरा बोल चुके थे, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। वायुदेव, कुबेरदेव, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस यात्रा के आरंभ में मैं अपनी नकारात्मकता से प्रभावित था, इसलिए मेरे इस व्यवहार के कारण ही आपने मुझसे वो सब कुछ कहा। देवता, तो आप पूर्ण रूप से वृक्षों में परिवर्तित हो रहे हैं। देवताओं की रक्षा हेतु मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस क्रीड़ा को समाप्त करना होगा। हाँ कुमार कार्तिकेय, अविलंब मत कीजिए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, यही उचित अवसर है। आगे अवश्य बढ़ूंगा वायुदेव, किंतु उचित प्रकार से, क्रीड़ा के नियमों के अनुसार से। कुमार कार्तिकेय नियम का उल्लंघन कर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहां एक और असुर महाराज तारकासुर हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए छल करने से तनिक बेसंकोच नहीं किया, और दूसरी ओर ये अद्भुत दिव्य कुमार कार्तिकेय हैं, जो न्यायपरता और सत्यनिष्ठा पर स्थिर हैं।
संपूर्ण एकाग्रता और सत्य निष्ठा से क्रीड़ा को अंत करने के प्रति समर्पित कुमार कार्तिकेय ने अद्भुत न्यायप्रियता का परिचय दिया। माता सरला, यही तो महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की महानता है। कुमार कार्तिकेय अपनी चाल चलकर चार स्थान और आगे बढ़ गए, किंतु अब तो उन्हें तारकासुर के उस सर्प की पूंछ से लुढ़कने की प्रतीक्षा करनी थी, क्योंकि अब तारकासुर को पासे फेंकने थे। उसके उपरांत ही कुमार कार्तिकेय क्रीड़ा के नियमों के अनुसार अपनी चाल चलने वाले थे। किंतु सर्प ने तारकासुर को निगलकर कहां पहुंचा दिया था? छल, असत्य और धूर्तता से कभी कोई लाभ नहीं होता, और अब वो समय आ चुका था जब तारकासुर को शीघ्र ही वास्तविकता ज्ञात होने वाली थी, क्योंकि अब वो स्वयं ही स्वयं के बनाए जाल में फंस चुका था। खोलो, अपना मुख खोलो, बाहर जाने दो मुझे। इस क्रीड़ा की रचना मैंने ही की है, और तुम मुझे ही निगल रहे हो। मैं कहता हूँ दुष्ट, अपना मुख खोलो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं ऐसा विस्फोट करूंगा कि स्वतः ही तुम्हारा मुख खुल जाएगा। महाराज तारकासुर की महाराज। अब तारकासुर का भीतरी विकार और पाप उसके सम्मुख थे, जिससे उसका सामना होने वाला था। कुमार कार्तिकेय के लिए भी यही चुनौती थी, किंतु समस्या ये थी कि जब तक तारकासुर क्रीड़ा पटल पर नहीं लौटता, क्रीड़ा आगे नहीं बढ़ सकती थी। वहीं दूसरी ओर देवताओं के समक्ष भी अब समय कम ही शेष रह गया था, क्योंकि वो भी अब लगभग पूर्ण वृक्ष के रूप में परिवर्तित होने ही वाले थे। इसीलिए ये देवताओं के लिए एक संकट की घड़ी थी, क्योंकि कुमार कार्तिकेय उन्हें तभी रक्षित कर पाते जब तारकासुर क्रीड़ा पटल पर पुनः लौट कर आता। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो स्वयं भी उसी में गिर सकते हैं।